चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि के पार्ट नंबर 4 का। जैसा कि टाइप नंबर 7 दिया है, इससे पहले 6 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियोस में दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 9600096000 की दर से दो मकान बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि लॉस होता है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक हमने दी है, जो कि है, यदि लाभ और परसेंट हमें देखना है कि लाभ परसेंट और यदि हानि परसेंट आपस में इक्वल है, बराबर है, तो हमेशा दोस्तों क्वेश्चन में हानि होती है। ये मैंने एक नोट करके भी लिखा हुआ है, जैसा कि जब लाभ एवं हानि परसेंट बराबर होती है तो हमेशा हानि परसेंट होती है। तब उस क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? सबसे पहले लाभ परसेंट लिखेंगे इंटू हानि परसेंट अपॉन 100, तो हमेशा हमेशा क्या निकलेगा? हानि परसेंट। तो सिंपली क्वेश्चंस को कर दीजिए, तो 20 लाभ परसेंट 20 इंटू हानि परसेंट 20 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई एंड 2 टू जा 4, 4%। देखते ही देखते इसका आंसर आ गया। दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और इस तरह से हम क्वेश्चन को पलक झपकते ही कर सकते हैं। इसमें कोई पेपर पेन की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो पसंद आ रहा है, तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने से ही मैं अपने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? यदि व्यक्ति दो साइकिल 7980 प्रति साइकिल की दर से बेचता है, उसने उसमें से 5% का लाभ उसने एक पर 5% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि से बेचा, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी करने का सिंपल तरीका है, क्योंकि यदि लाभ परसेंट इज इक्वल टू हानि परसेंट दिया है इक्वल, और इक्वल दिया है दोस्तों 5%, तो उस समय मैंने फॉर्मूला बताया है या ट्रिक बताया है कि परसेंटेज हानि हानि या फिर लॉस इज इक्वल टू होगा एक्स इंटू एक्स अपॉन 100, जहां पर एक्स लाभ है, प्रॉफिट है, और ये एक्स हानि है, दोनों का इक्वल परसेंटेज है। तो इस तरह से हम करेंगे दोस्तों, जिसमें लाभ कितना दिया है 5%, इंटू हानि कितना दिया है 5% दिया है, और हानि कितना दिया है अगेन 5%, तो 5 × 5 / 100, तो ये हमारा हो गया 25/100, तो ये हो गया 25 × 4 = 100, तो इस तरह से 1/4% इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। दोस्तों, नेक्स्ट टाइप जो कि टाइप 8 है, अभी तक 7 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइप 8 टाइप कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें कुछ वस्तुएं दी होगी और उन वस्तुओं में कुछ मूल्य दिया होगा, और उस तरह से हमें किस तरह से उस पर लाभ या हानि परसेंट निकाला जाता है, वो सब इस तरह के क्वेश्चंस इस टाइप के अंदर हमने लिए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। एक व्यक्ति कुछ संतरे 10 रुपये में 14 की दर से 10 रुपये में 14 की दर से खरीदता है और सभी संतरों को 14 रुपये में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ए मैन बॉट सम ओरेंजेस एट द रेट 10 for 14 एंड सोल्ड ऑल द ऑरेंजेस ही बोट एट द रेट 14 for 10 rupees। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। तो इसको करने का बहुत ही शॉर्ट
शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट तरीका है। तो दोस्तों इसको किस तरह से किया जाता है, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें दो वैल्यू दी हैं। पहली वैल्यू दी है रुपीस और दूसरी वैल्यू दी है आर्टिकल्स की संख्या। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए जो हमारी पहली संख्या दी है रुपीस 10 और दूसरी दी है 14 आर्टिकल्स, अगेन फिर इसमें दिया है 14 रुपीस और 10 दिया है आर्टिकल्स। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको हम ए मान लेते हैं और सेकंड को बी और थर्ड को सी और फोर्थ को डी मान लेते हैं। तो इसको करने का एक सिंपल तरीका है कि इसका क्रियमूल सीपी कैसे निकाला जाता है। तो सीपी निकालने का तरीका है ए इंटू डी करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ए इंटू डी। तो ए इंटू डी कितना हुआ, ए हमारा कितना है 10 और डी हमारा कितना है 10। तो हमारा सीपी आ गया दोस्तों 100। तो इसी तरह से हम विक्रयमूल एसपी निकालेंगे और एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, बी इंटू सी करते हैं। क्या करते हैं, बी इंटू सी। तो बी इंटू सी करने के लिए क्या करेंगे, बी हमारा क्या है, बी हमारा है 14 एंड सी हमारा है 10। सी हमारा है 10, तो कितना आ गया हमारा दोस्तों, सी हमारा है अगेन 14, सॉरी, तो हमारा आ गया 196। तो इस तरह से हमारा एसपी हमें मिल गया और सीपी हमें मिल गया। तो हम लाभ निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो लाभ या फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा, 196 में से 100 जाएगा, कितना आएगा 96। और यदि हमें इसका, हमें क्या निकालना है दोस्तों, लाभ अथवा हानि का परसेंटेज निकालना है। तो लाभ अथवा हानि का परसेंटेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला है या ट्रिक है, लाभ परसेंटेज इज इक्वल टू लाभ अपॉन क्रियमूल सीपी इंटू 100। तो लाभ कितना हुआ 96 अपॉन सीपी हमें क्या मिला दोस्तों, 100 इंटू 100। तो इस तरह से 100 से 100 कट गया, तो हमारा कितना आया दोस्तों 96%। यही हमारा दोस्तों इसका आंसर है। तो दोस्तों इस तरह के थोड़े घुमावदार क्वेश्चंस को भी हम आसान वे में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का देख लेते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी और बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा दिया है क्वेश्चन, कुछ वस्तुएं 10 रुपये की 11 की दर से खरीदी गई। 10 रुपये में कितनी वस्तु, 11, तथा 11 रुपये की 10 वस्तु की दर से बेची गई। तो लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करो। क्या है दोस्तों, सम आर्टिकल्स आर बोट एट द रेट 10 for 11 एंड सोल्ड एट द रेट 11 for 10। फाइंड द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। तो इसको करने का सेम तरीका है, मैंने बोला कि पहले जो क्वांटिटी है 10 रुपीज और दूसरी है 11 क्या है वस्तु, इसको अगेन फिर हमारी है 11 रुपीज और दूसरी है 10 वस्तु। तो इस 10 को हम क्या मानेंगे, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं दोस्तों, क्रियमूल निकालते हैं, क्रियमूल या फिर उसको सीपी बोलते हैं, सीपी। तो क्रियमूल क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ए इंटू डी होता है। तो ए में 10 इंटू डी में क्या आएगा हमारा 10। तो ए में 10 और डी में क्या आया 10, तो ये हो गया हमारा 100। तो इसी तरह से हम इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी। एसपी क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ट्रिक के अकॉर्डिंग बी इंटू डी होता है, बी इंटू क्या होता है, सी होता है। तो बी इंटू सी में क्या है, बी की वैल्यू हमारी क्या है 11 और सी की वैल्यू हमारी क्या है, सी की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या है अगेन 11 है। तो ये हमारा कितना आया दोस्तों 121। जैसे हम 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 वन जा 11, 11 वन जा 11 एंड 10, 11 वन जा 11 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 121। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आया, एसपी निकल गया, सीपी निकल गया, तो हम उस पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा, एस पी माइनस सी पी, तो 121 माइनस 100 कितना आया दोस्तों 21। और यदि हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए सीधा फॉर्मूला है जो कि हम सीपी पर कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या आएगा, परसेंटेज
परसेंटेज इज इक्वल टू कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 21 अपॉन सीपी 100 इनटू 100, 100 से 100 कट गया तो कितना आया दोस्तों 21%। तो इस तरह से हमने दोस्तों अपने दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए जुड़ना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब के लाल बटन को एक बार प्रेस करना है तथा साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबा देना है, जिससे आपको मेरी डेली वीडियोस के अपडेट्स बिना किसी सर्च के मिल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।